सुट्टो बुट्टो पोट्ट खाले आए टिंड चाले सुट्टो बुट्टो पोट्ट खाले आए टिंड चाले याच्या 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 खिशाले दोन दोन पेन याच्या खिशाले दोन दोन पेन साहेब झाला हे बाबा साहेबाच देणार बाई मावा पोरगा साहेब झाला हे बाबा साहेबाच देणार. नमस्कार, मैं सुप्रिया द इंडिया वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है. फुले शाहू और अंबेडकर जी को कौन नहीं जानते, लेकिन उनके विचारों को प्रसारित करने वाले भीम शाहिद अशोक निकाल जी आज हमारे साथ है. आइए उनसे बात करते हैं. अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत. मैं भीम शाहिद अशोक निकाल जी और मैं एक डॉक्टर बाबा साहब की मूवमेंट जो है वो ऑल महाराष्ट्र में और गांव गांव में शहरों शहरों में जाकर अपने गाने के माध्यम से जो बाबा साहब के विचार है, शिवाजी महाराज के विचार है, फुले के विचार है, एक गांव गांव जाके पहुँचने का मैं छोटा सा एक प्रयास करता हूँ. जी बिल्कुल, लेकिन ये जो काम है आपने कब से शुरुआत की और किससे प्रेरणा ली कि ये काम आपने शुरू किया? ये कम से कम मेरे ख्याल से मैं उम्र के 14 साल का था तब से मैं गाने गा रहा हूँ बाबा साहब के, फूले के, शाहू के, शिवाजी महाराज के. और बचपन से ही मुझे गाने का शौक़ है और शौक़ रहा भी है, अभी भी है और रहेगा भी. और मोमेंट जो है वो बचपन से ही मैं मोमेंट में रहा हूँ. मेरे गुरुवर्य प्रहलाद जी शिंदे, प्रभाकर पोखरीकर, ऐसे मेरे जो प्रचलित नाम है ऑल महाराष्ट्र में, ऑल इंडिया में, वो प्रहलाद शिंदे मेरे गुरुवर्य है और उनकी देन से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ. जी बिल्कुल, आपने जिस तरीके से कहा कि 14 साल की उम्र में आपने गाना गाना शुरुआत किया है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत समाज ने, बहुजन समाज ने मुझे बहुत प्यार दिया. बहुत खुशी मिलती है कि मैं जब गाना शुरू करता हूँ तो बहुत एक अलग सा आनंद मुझे मिलता है और बहुत खुशी होती है. और मैं ज़िंदगी में आया और कुछ बाबा साहब के विचार ये बहुजन समाज को दे रहा हूँ तो मेरी ज़िंदगी का चीज़ हो गया, ऐसे मैं खुद मानता हूँ. जी बिल्कुल, आप कई लोगों में जाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, क्या क्या नज़र आता है और क्या क्या परिस्थिति है जो अंबेडकर, फुले शाहू जी ने जो मतलब समाज के लिए किया है, क्या अभी तक वो वैसे उस तरीके से हो रही है प्रचलित? हाँ जी हाँ, अभी पहले सरे का नहीं रहा, अभी समाज में परिवर्तन हो रहा है. और मेरे सरे के इस महाराष्ट्र में, इस इंडिया में, इस भारत में बहुत सारे ऐसे शायर है, कव्वाल है, भीम शायर है, अच्छे अच्छे मूवमेंट के गीत लिखने वाले, अच्छे अच्छे गाने वाले लोग हैं. और बाबा साहब की मूवमेंट जो है वो सही ढंग से अगर कोई चलाता है तो हम कव्वाल लोग ही, हम गायक लोग, शायर लोग, यही खेड़ों पाड़े में जाके, गांव गांव जाके ये मूवमेंट चल रहा है और परिवर्तन भी हो रहा है, इस बात की खुशी बहुत है. जी, हम जानना चाहते हैं कि जिस वक्त आप कॉलेज या महाविद्यालय में पढ़े तब का आपका मतलब कैसे था, क्या कॉलेज में भी गाते थे ऐसा कुछ? मैम, हमारे घर की परिस्थिति उतनी खास नहीं थी तो मैं ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं स्कूल में भी गाता था. 12वीं तक मेरे पढ़ाई हुई है, उसके बाद में कॉलेज छोड़ने के बाद में नौकरी भी की मैंने, लेकिन ये सब करते करते ये अलग मेरे को बोले तो कब मैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया है कि मुझे मालूम ही पड़ा नहीं कि बहुत लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे. इस संगीत का प्रभाव जो होता है वो मतलब कोई भी एज लिमिट नहीं होती. हम जानना चाहते हैं कि आपके परिवार वो किस तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं इस पूरे, आपके जो गाने हैं, कवालियाँ आप गाते हो, कई तरीके की चीज़ें आप करते हो मतलब प्रबोधन के लिए, तो इसके लिए आपको कैसे सपोर्ट मिलता है इनका? मैडम, मैं बचपन से मेरी माँ, मेरे बाप, इन्होंने तो सपोर्ट किया है. मेरी पत्नी, मेरे दो बच्चे भी हैं, कभी ऐसे शिकायत नहीं हुई कि आप 10 दिन 15 दिन 1-1 महीना बाहर रहते हो और क्या करते हो, क्या कभी ऐसी शिकायत नहीं की. उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है कि
बाहर जाते उनको सुनने को मिलता है मेरे पूरे एल्बम्स, बाबा साहब के गीत पूरे ऑल महाराष्ट्र से उनको भी रिप्लाई मिल जाता है, तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है। तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और घर में बहुत सपोर्ट है मुझे। आपके आस पड़ोस के लोग हैं, आपके गाने सुनते हैं, क्या रिप्लाई देते हैं आपको वैसे? मैम ये मैं चेंबूर में रहता हूँ, पंचशील नगर अमर महल, यहाँ पे मैं बचपन का था, बचपन में था तब यहाँ पे बहुत सारे कलाकार रहते थे और उनकी वजह से मुझे वो चालना मिली। और दूसरी बात ऐसी, मेरे दोस्त लोग जो मेरे साथ में खेलते थे और मैं जब गाता था तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था, मुझे प्रोत्साहन देते थे। आज भी मैं एरिया में घूमता हूँ तो सब लोग बोलते हैं भाऊ खूब छान तुझा नाव है, तुझे कैसेट गाता है, तो अच्छा लगता है। अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। कितने लोग आपसे जुड़े हैं, इतने सालों से आप गाना गाते हो, कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? मेरे साथ में वैसे तो मैं परिवर्तन कला महासंघ जो है माननीय रामदास जी आठवले साहब, पूरे ऑल महाराष्ट्र में एक बड़ा संगठन है कलाकारों का, उसमें मैं एक पद पे हूँ, कार्याध्यक्ष पद मेरा है। तो कम से कम 40-50 हज़ार कलाकारों से मैं जुड़ा हूँ, और ऑल महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्रा, कर्नाटका, ऑल महाराष्ट्र, तो ये सब मैं वहाँ जाके अपनी कला सादर की है मैंने, बहुत अच्छा महसूस होता है। सिखाते भी होंगे कुछ लोगों को? सुनते और सीखते, और ये हमारा एक संगठन है परिवर्तन कला महासंघ, जो अम्बेडकरी मूवमेंट के जितने भी कलाकार हैं वो सबका संगठन है। मैं अभी आपको बोला मैंने कि महाराष्ट्र में मेरे शरीर के बहुत सारे कलाकार हैं जो ये मूवमेंट चलाते हैं अपने कला के माध्यम से, अम्बेडकरी विचारधारा ये समाज में पहुँचाने का काम करते हैं, वैसे उसमें से एक मैं छोटा सा हिस्सा हूँ। तो बस हम संगठन है हमारा कि अम्बेडकरी विचार ज़्यादा से ज़्यादा ऑल भारत में पहुँच जाए, बस यही मकसद है हमारा। और किस तरीके के आप जो अम्बेडकरी विचारों को प्रसारित करते हो आपके गाने के माध्यम से ही? मेरी कम से कम मेरे 300-400 मेरे एल्बम है, मैंने कभी किसी भगवान का गाना नहीं गाया, मैं सिर्फ बाबा साहब का ही गाना गाता हूँ, और इतने सारे एल्बम हैं मेरे, और एल्बम के माध्यम से भी मैं समाज के सामने जाता हूँ, और मेरे को एल्बम से ज़्यादा लोगों के सामने जाके गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों के सामने जाने से लोगों की भावनाएँ क्या है, हाँ वहाँ की परिस्थिति क्या है, उसके ऊपर अपन समाज प्रबोधन जो होता है वो हम करते हैं। सर एक गाना हम आपसे सुनना चाहते हैं जो आपका हमेशा का फेवरेट है, और आपके वो गाने से कई सारे लोग जो है और ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ पे मेरा एक गाना था, वैसे तो मेरे बहुत सारे गाने फेमस है, लेकिन जो मेरा सुपर हिट गीत हुआ ऑल महाराष्ट्र में, तो जिस गाने से मेरी जिंदगी का सोना हुआ वो गाना मैं आपको सुना के दिखाऊंगा। सुट बुट कोट घाले आई टीत चाले, सुट बुट कोट घाले आई टीत चाले, याच्या खिशाले दोन दोन पेन, याच्या खिशाले दोन दोन पेन, अग बाई मावा पोरग साहेब झाला आहे बाबा साहेबाच गेल, नाव पहिल्या नंबरावरी विद्वानामधी, हे नाव पहिल्या नंबरावरी विद्वानामधी, भीमा परी नाही कोणी या जगामधी, या जगामधी साऱ्या हरे कनिळा आणि एक भगवा या दाही दी
खिशाम धेला भी दीवा एक वाघाचा एक सिंहाचा छावा जीजा इचा तो शिवा जीजा इचा तो शिवा भीमाईचा तो भिवा जीजाईचा तो शिवान भीमाईचा तो भिवा। क्या बात है, क्या आवाज है, बहुत सुरीली ये आवाज है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अभी बहुत सारे आपने जैसे बताया कि अंबेडकर विचारों पर लोग गाते हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन क्या कमतरता आपको दिखती है कि कुछ मतलब विचारों में कुछ तफावत ऐसे कुछ? खेड़ों पाड़े में गाँव गाँव में जो कलाकार है अम्बेडकरी मूवमेंट के जो कलाकार है बहुत गरीब है, शासन से उनको कुछ नहीं मिलता है, वो गाँव गाँव जाके जो गाना गाते हैं तो समाज जो देता है उसी पे चलता है। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं उनको घर नहीं है, उनको नौकरी नहीं है, तो शासन की ओर से जो मानदंड रहता है वो भी अल्प है। मेरे ख्याल से 1500-1600 रुपये है। आज की इस महंगाई के ज़माने में 1500-1600 रुपये में कुछ नहीं होता। फिर गरीब जो कलाकार है, बाकी के कलाकार देखो आज 10% में से लोग रूम ले रहे हैं, वहाँ पे भी वशीले बाजे चल रही है, लेकिन जो गरीब कलाकार है उनकी ओर देखने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने कलाकारों का एक संगठन तैयार किया है और हम शासन से ज़रूर अपना हक मांगेंगे, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। ये हक जो रहेगा किस तरीके से चाहिए, मतलब घर चाहिए, किस तरीके के आपको हक चाहिए? शासन की ओर से हमें मानधन तो चाहिए, मानधन बढ़ा के चाहिए। दूसरी बात है कि जो घरकुल योजना होती है, कला जो कलाकारों को घर नहीं है वो शासन की ओर से उनको घर भी मिलना चाहिए। कलाकार जो गांव गांव घूमकर अपना ये करते तो जो बस भाड़ा है कि वह ट्रेन भाड़ा है उसमें भी हमें कंसेशन चाहिए। ऐसी बहुत सारी मांगे हैं हमारी और शासन की ओर से जो जितने जो कार्यक्रम लगते हैं शासन के, तो वो अम्बेडकरी मूवमेंट के कलाकारों को बहुत कम मिलता है। तो हमारी वही दरख्वास्त है और यही सब्जेक्ट लेके हम बड़ा मेड़ावा लेने वाले हैं कुछ दिनों में परिवर्तन कला महासंघ के माध्यम से। और माननीय रामदास जी आठवले साहब उनके हमारे अध्यक्ष हैं, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स अलग है और ये कलाकारों का संगठन उनके अध्यक्ष आठवले साहब है, क्योंकि आठवले साहब भी एक कलाकार है, तो उनके माध्यम से हम अपना हक मांगने वाले हम। जाते जाते आप क्या संदेश दोगे लोगों को कि किस तरीके से अम्बेडकरी विचार या फूले शाहू शिवाजी के विचार को किस तरीके से फॉलो करना चाहिए? जो महामानव छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, इन महान महामानवों ने जो विचार समता बंधुत्व न्याय ये जो दिया है, आज का माहौल आप देख रहे हैं कि इस देश में क्या चल रहा है, अगर अपन इस महामानव के विचारों पर अगर चलते तो इस देश में समता बंधुत्व ये सब न्याय व्यवस्था ये एकदम शांति से रहेगी। तथा अगर भगवान बुद्ध के विचारों से अगर चलते हैं, महामानवों के विचारों से अगर चलते हैं, तो हमारे कलाकारों का यही प्रयास है। हम गांव-गांव जाके यही संदेश देते हैं कि महामानवों के विचार छोटे से छोटे गांव तक पहुंच जाए, यही हमारी तमन्ना है और क्या है। तो ये थे अशोक निकाल जी जो भीम शाहिर और कव्वाली और ऐसे कई सारे प्रकार से अपने गीतों के माध्यम से, अपने गायन के माध्यम से फुले शाहू अंबेडकर और शिवाजी महाराज इनके विचारों को लोगों में प्रसारित करते हैं।